अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ ब्रॉडसाइड। आज मैं आपके साथ मोहम्मद आमिर राणा का एक आर्टिकल शेयर कर रहा हूं जो डॉन न्यूज़ में लिखा गया है, और ये आर्टिकल बहुत ही फ़ायदेमंद है आजकल की जो TTP और तालिबान की जो हमारे मुल्क में एक सिचुएशन चल रही है उसके लिहाज से, और बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छी अच्छी इसमें जो है बातें बताई गई हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जो हैं यूँ समझेंगे सोल्यूशन बताए गए हैं। ये जो है आपके लिए आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके काम आने वाला है, तो इस आर्टिकल को आपने ज़रूर पढ़ना भी है और अभी समझना भी है। और इस आर्टिकल में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो आप इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले आपको समझने चाहिए, वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। जो सबसे पहला है वो प्रीसेप्ट्स ऑफ इस्लाम। अब प्रीसेप्ट्स को आपने समझना है, प्रीसेप्ट्स कहते हैं कमांड को या प्रिंसिपल्स को। ऑर्थोडॉक्सी है दूसरा। ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं एस्टेब्लिश किसी भी एक डॉक्ट्राइन को, एस्टेब्लिश किसी एक प्रिंसिपल को जो बहुत ही पुराना बनाया गया हो, कन्वेंशनल जिसे कहते हैं। उसके बाद है डॉगमा। डॉगमा कहते हैं किसी भी डॉक्ट्राइन को, किसी भी एक सेट ऑफ आइडियोलॉजीज़ को। स्ट्रेटेजिक का वर्ड भी इस आर्टिकल में इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रेटेजिक का वर्ड जहाँ पे भी आए आपको स्ट्रेटेजिक से मुराद लेनी है सिक्योरिटी। उसके बाद है रोलिंग बैक। रोलिंग बैक से मुराद होता है ख़त्म करना, एबुलिश करना या पीछे हटना। इसके बाद डिक्रीज़ का भी इस्तेमाल किया गया है इस आर्टिकल में। डिक्रीज़ का मतलब होता है फतवा वगैरह। इसके बाद है कंजूनियल, कहते हैं कि प्लीजेंट। कंजूनियल होता है प्लीजेंट, किसी भी एक अच्छी कंडीशन को। इसके बाद प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव होता है किसी भी एक प्रिविलेज को, एक स्पेशल जो होता है राइट देना, उसको कहते हैं प्रीरोगेटिव। इसके बाद है हार्प ऑन। हार्प ऑन कहते हैं कि किसी को, किसी से आप कोई काम ले रहे हो। इसके बाद है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक कहते हैं प्रैक्टिकल को, किसी भी एक रियलिस्टिक चीज़ को। और पैराडाइम कहते हैं किसी एक क्लियर एग्जाम्पल को, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल को। तो ये कुछ लिस्ट हैं इस आर्टिकल में इस्तेमाल की गई हैं जो आपको पहले समझनी है इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले। तो हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को शुरू से, और आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। तो आर्टिकल है तालिबान वर्जन ऑफ इस्लाम, मोहम्मद आमिर राणा ने लिखा है डॉन न्यूज़ में। इसमें जो पहली लाइन है वो ये है कि मुस्लिम कंट्रीज़ आर राइटली वरिड अबाउट द तालिबान व्यूज़ ऑन रिलीजन। यानी कि ये पूरा आर्टिकल है किसके बारे में, जो तालिबान के व्यूज़ हैं इस्लाम के बारे में, रिलीजन के बारे में, इस्लाम का जो रिलीजन है इस बारे में, वो बहुत ही वरिड हैं। किसके लिए? पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। तो ये आर्टिकल मैं पैराग्राफ वाइज पढ़ के आपको समझाता हूँ। तो आर्टिकल शुरू होता है, द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान हैज़ स्टार्टेड इन्फोर्सिंग शरिया लॉज बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रीसेप्ट्स ऑफ इस्लाम। कि तालिबान अफगानिस्तान में जो इस्लाम लाना चाह रहे हैं, जो शरिया लॉज लगा रहे हैं, वो उनकी अपनी परसेप्शन है, उनके अपने जो हैं प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, वो इस्लाम के नहीं हैं। पाकिस्तान इज़ अमंग दोज कंट्रीज़ दैट हैव डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्राम अफगान तालिबान्स कंसेप्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इस्लामिक लॉज। अब पाकिस्तान भी मुस्लिम ममालिक में से उन कंट्रीज़ में से है जिन्होंने अफगान तालिबान्स की जो इस कंसेप्शन है, जो इस्लामिक लॉज की जो इन्फोर्समेंट है, इससे अलहदगी जाहिर की है। इसके बाद है, However, the orthodoxy in Taliban's ranks poses a more severe challenge to Pakistan compared to the rest of Muslim world. तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की जो है थ्रेट है, इससे खतरा है, जो तालिबान की एक ऑर्थोडॉक्सी है, एक कन्वेंशनल व्यूज़ है, जो पुराने व्यूज़ हैं इस्लाम के बारे में, जो उन्होंने खुद से बना लिए हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान को नुकसान है। पैराग्राफ टू पे आ जाते हैं कि इट इज़ नॉट ओनली अ मैटर ऑफ तालिबान्स रिजीम्स रिलीजियस डॉगमा एंड आइडियोलॉजिकल हैसल, इट कुड काज टू पाकिस्तानी सोसाइटी द एस्टेब्लिशमेंट आल्सो अपीयर्स मोर कंसर्न अबाउट द TTP एंड अदर तालिबान एसोसिएट्स हू हैव चैलेंज्ड इट्स स्ट्रेटेजिक व्यूज़। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में तालिबान रिजीम का जो मसला नहीं है, तालिबान रिजीम्स की जो एक रिलीजियस एक फ़िलासफ़ी है, जो आइडियोलॉजी है, वो सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए नहीं एक कंसर्न, बल्कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि TTP और तालिबान एसोसिएट्स जो हैं, उन्होंने हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो स्ट्रेटजिक यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो व्यूज़ हैं, उनको चैलेंज कर दिया है। अब इसके बाद है, The Taliban and affiliated militant groups are testing the perception of Pakistan's strategic community. कि तालिबान और जो affiliated militant group हैं, वो हमारी establishment, जो हमारी strategic community, यानी कि establishment की बात हो रही है, security की बात हो रही है, उन्होंने जो है क्या किया है पाकिस्तान की strategic community को, जो वो है उसको, उनकी जो perception है एक तरह की, उसको challenge कर दिया है, उसको test कर रहे हैं। कैसे? के that Taliban's association with madrasas in the countries is political capital for the state. अब उनकी परसेप्शन क्या है कि तालिबान की जो एसोसिएशन है हमारे मुल्क में, जो मदरसा हैं उनके साथ, वो ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द स्टेट है। यानी कि क्या मुराद है इससे, कि यहीं से जो है जिहादी तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान के जो मदरसा हैं, और यहीं से फिर वो जो है जिहाद के नाम पे टेररिज्म करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब वो इससे फिर अगली बात कर रहा है कि TTP का जो हेड है उसने क्या बोला पाकिस्तानी मदरसों के बारे में। अब उन्होंने ये बोला है
The head of the outlaw TTP, Noor Wali Masood, affirmed in a recent video message that his group was waging a jihad that teachers in Pakistani madrasas preached. कि नूर वली मसूद उसने अफर्म किया है, एक वीडियो उसने बनाई थी और वो उसने वीडियो उसी वीडियो में उसने कहा है, ये मैसेज दिया है कि जो उसका ग्रुप है वो क्या कर रहा है, वेजिंग वार कर रहा है, जिहाद दैट टीचर्स इन पाकिस्तानी मदरसास प्रीच, वो जिहाद जो पाकिस्तानी टीचर्स मदरसों में प्रीच करते हैं, वो जिहाद। इससे क्या मुराद है उसकी कि जो टीचर्स जो उलमा जो हैं फतवा उन्होंने जो पहले लगाए हैं, उन्होंने जो सिखाया है, हम वो कर रहे हैं, हम कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो हमें सिखाया है इस्लाम के बारे में उनमें अंदर रह के हम ये कर रहे हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। अब ये कैसे गलत है आगे आपको समझाता हूँ। तीसरा पैराग्राफ है कि भाई द मुस्लिम्स कंट्रीज आर राइटली वरिड अबाउट द तालिबान व्यू ऑफ इस्लाम एज इट पोजेज मोर ऑफ अ पोलिटिकल चैलेंज देन एन आइडियोलॉजिकल वन। मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं वो बहुत ही वरिड हैं तालिबान के इस व्यू ऑफ इस्लाम की वजह से, क्योंकि ये पोलिटिकल से ज़्यादा एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज है पूरी मुसलमान के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, पूरे इस्लाम के लिए। मुस्लिम सोसाइटीज़ फ्राम द मोरक्को टू इंडोनेशिया हैव डेवलप्ड फंक्शनल कंपेटिबिलिटी विद द मॉडर्न वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। के मुस्लिम सोसाइटीज़ मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक उन्होंने क्या किया है, फंक्शनल कंपेटिबिलिटी लाई है, जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो फ्रीडम के वैल्यूज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए कंपेटिबिलिटी लाई है इस्लाम में। तो वो उस तरह से अपनी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इस तरह गुजार रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बड़ी अब मुश्किल हो गई है। इसके बाद है Many Muslim countries and groups, including the Organization of Islamic Cooperation, have condemned the Afghan Taliban's policies of rolling back the rights of women, including the recent ban on higher education for them. अब बहुत सारे ममालिक OIC के साथ साथ अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उन्होंने जो पॉलिसीज़ लाई हैं राइट ऑफ वुमेन, जो एक तरह की उनकी एजुकेशन उनको ख़त्म किया है, हायर एजुकेशन पे बैन लाया है, उनके राइट्स पे जो है डाका मारा है, तो ये चीज़ जो है सब ने इस चीज़ को कंडेम किया है। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जितना भी हमारा OIC है उसमें जितने भी ममालिक हैं, इस चीज़ को उन्होंने कंडेम किया है। उसके बाद है However, the Taliban leaders insist that their policies are based on Islamic jurisprudence. लेकिन जो तालिबान लीडर्स है वो कह रहे हैं कि हम जो भी पॉलिसीज़ लगा रहे हैं वो इस्लाम के दायरे में है, हालांकि ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। दो द OIC has not abandoned its engagement policy with the Taliban regime. It could rethink its approach if Kabul continues with its ideological campaign. ये हालांकि OIC ने अभी तक उसके साथ कोई भी ऐसी पॉलिसी इंगेजमेंट की ख़त्म नहीं की है जो तालिबान हुकूमत है अफगानिस्तान की, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा, तालिबान हुकूमत ने इसी तरह कि जो है पॉलिसीज़ लाती रही, तो फिर क्या होगा, फिर OIC इनके साथ अपनी इंगेजमेंट ख़त्म कर देगी, OIC जो है इसको अपनी जो मेंबरशिप से निकाल सकती है। चौथे पैराग्राफ में आते हैं ट्रू पाकिस्तानी रिलीजियस स्कॉलर्स हैड पार्टनर्ड विद द तालिबान इन लेटर्स कंसेप्शन ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स। कि जो ट्रू ये एक हकीकत है कि पाकिस्तानी रिलीजियस जितने भी हैं स्कॉलर्स हैं उन्होंने तालिबान के साथ एक तरह की पार्टनरशिप के साथ चले हैं, पहले जो उनकी कंसेप्शन थी इस्लामिक एमिरेट्स के साथ। हाउएवर वाइल द तालिबान वर बिजी फाइटिंग द वार अगेंस्ट काबुल एंड फॉरेन ट्रूप्स अटैकिंग ओवर, पाकिस्तानी उलमा हैड रिविजिटेड देयर प्रीवियसली हेल्ड ओपिनियन। जब तालिबान जो हैं फाइट कर रहे थे, वार लड़ रहे थे फॉरेन ट्रूप्स के साथ और अपने ही मुल्क में जो है सिविल वार उनकी चल रही थी, तो उस टाइम में पाकिस्तानी उलमाज ने अपनी जो एक ओपिनियन थी, जो अपनी एक स्कॉलरली एक फ़िलासफ़ी थी, उनके लिए वो रिविज़िट कर दी, यानी कि उसको तब्दील कर दिया, अपना ओपिनियन तब्दील कर दिया। अब वो ओपिनियन क्या तब्दील किया इन्होंने, दैट रिवीजन केम एज अ वेव ऑफ रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस एंड हेटेड अंडरमाइंड द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी आल्सो फोर्सिंग द एस्टेब्लिशमेंट टू रिविजिट इट्स आइडियोलॉजी ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब उन्होंने क्यों चेंज की, क्योंकि तालिबान को जो है उन्होंने क्या किया है कि रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस, उन्होंने कहा कि वायलेंस भी किया, हेटेड भी किया, लेकिन उसको एक रिलीजियस शेप दे रहे थे, सोसाइटी की फाउंडेशन को ख़राब कर रहे थे, जिससे क्या हुआ पाकिस्तानी उलमा भी मजबूर हुए अपना ओपिनियन चेंज करने में, और इसके साथ साथ जो है इस्टेब्लिशमेंट को भी अभी यूँ समझें कि फोर्स किया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि वो अपनी जो एक पॉलिसी है उसको रिविजिट करें, उसको रीथिंक करें, आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है उनकी उसको चेंज करें, यानी कि आइडियोलॉजिकल सोच रहे हैं कि हम जो है लिंक है हमारा अफगानिस्तान के साथ, कल्चरल हिस्ट्री है हमारी, ठीक है हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, तो इसलिए हमारे मुल्क में जो है इस तरह की वो चीज़ें आ रही हैं, तो इस चीज़ को जो है अभी एस्टेब्लिशमेंट को चेंज करना पड़ेगा, सिक्योरिटी परस्पेक्टिव जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकली तो हमें नुकसान हो रहा है लेकिन पोलिटिकली भी हमें नुकसान हो रहा है। इसके बाद जो है अगला पैराग्राफ इसमें यह है अ डिक्लेरेशन बाय द नेम ऑफ द पैगाम पाकिस्तान वाज लॉन्च एट प्रेजिडेंट हाउस ऑन जनवरी 15, 2018 इन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल रिलीजियस एंड पोलिटिकल लीडर्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट कंप्राइज्ड अ प्रीएम्बल प्रोवाइडिंग अ कंटेक्चुअल एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल सिचुएशन।
कि भाई 2018 में 15 जनवरी को पैगाम पाकिस्तान के नाम से प्रेसिडेंट हाउस में एक डिक्लेरेशन पास हुई, वो किसने की, जितने भी हमारे पाकिस्तानी स्कॉलर्स थे पूरे मुल्क के, और इसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ के ममालिक से जो है बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे, इस्लामिक स्कॉलर्स, उन्होंने बैठ के जो है एक डिक्लेरेशन बनाई जिसका प्रियम्बल था ये कि कंटेक्चुअल एनालिसिस जो था आइडियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल सिचुएशन पर उन्होंने दिया। प्रियम्बल इसका ये था कि भाई क्या सिचुएशन है। इसके बाद जो है द सेकेंड पार्ट कंटेंड अ सेट ऑफ रिलीजियस डिक्रीज इनिशियली साइंड बाय 1829 रिलीजियस स्कॉलर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजियस स्कूल्स ऑफ थॉट इन द कंट्री। द डिक्लेरेशन कैटेगोरिकली कंडेम टेररिज्म, सेक्टेरियनिज्म, हेट्रेड वगैरह, आर्म सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट एंड इम्पोजिशन ऑफ वंस आइडियोलॉजी ऑन अदर्स बाई फोर्स। तो मोटी मोटी बात यह है कि 1829 स्कॉलर्स ने इस डिक्लेरेशन को साइन किया, फतवा दी, और टेररिज्म को सेक्टेरियन के नाम, सेक्ट के नाम पे, हेट्रेड को, आर्म सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट को, इम्पोजिशन अपना जो है आइडिया किसी और पे थोपना, इन सारी चीज़ों को इस डिक्लेरेशन में जो है रद्द कर दिया गया कि ये इस्लाम की टीचिंग्स में नहीं आती, और ये बहुत बड़ी एक बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद है द रिलीजियस स्कॉलर्स हु हैड साइंड द डिक्लेरेशन आल्सो प्लेज्ड दे वुड वर्क फॉर सोसाइटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, टॉलरेंस, हारमोनी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड जस्टिस को एग्जिस्टेंस। अब उन्होंने ये भी प्लेज लिया, ये भी वादा लिया जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे कि जो सोसाइटी बिल्ड होगी वो उसमें हारमोनी होगी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगी, डेमोक्रेसी पे होगी, लिबर्टी पे होगी, हर एक को राइट होगा, इक्वलिटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें, टू अचीव दी कंजोनियल एटमोसफेयर फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अब कंजीनियल का मैंने आपको बताया क्या है कि प्लीजेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट ताकि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस क्रिएट हो। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिक्लेरेशन, पैगाम पाकिस्तान क्लेम्स दैट मैक्सिमम लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल्स वाज इन प्लेस। पैगाम पाकिस्तान का जो असल मकसद था वो ये था कि मैक्सिमम टीचिंग्स ऑफ इस्लाम जो हैं, जो सही ट्रू एंड स्पिरिट में उसकी जो टीचिंग्स हैं, जो ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, लिबर्टी, इक्वलिटी के बारे में बताता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मेन बात ये थी। इसके बाद अगला पैराग्राफ है उसमें ये है कि इंटरेस्टिंगली अ फ्यू हेड्स ऑफ बैंड सेक्टेरियन एंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो साइन द डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग उलमा सपोर्टिंग जिहाद इन अफगानिस्तान एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिक्लेरेशन को उन जो है उलमाज ने भी साइन किया था जो हुकूमत की तरफ से बैंड थे, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिए गए थे, उन्होंने भी इसको साइन किया। अब वो कहाँ पे थे, जो अफगानिस्तान में जिहाद को अच्छा समझते थे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जिहाद को अच्छा समझते थे, उन्होंने भी इस चीज़ को साइन किया कि भाई इस्लाम के नाम पे टेररिज्म करना, ये सारी चीज़ें गलत हैं, कन्फ्लिक्ट करना, किसी को मारना, धमाके वगैरह, बॉम्ब ब्लास्टिंग, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो अब हम देखते हैं कि टीटीपी ने जो फतवाज कह रहा है कि ये चीज़ें हमें इस्लामिक स्कॉलर्स ने ही सिखाई हैं, वो टीटीपी ने कहाँ से ले ली हैं, वो कौन सी इस्लामिक टीचिंग्स हैं जो टीटीपी अभी फॉलो कर रहा है। अब ये बात हमें पता चलेगी अगले पैराग्राफ में। अब टीटीपी चीफ नूर वली मसूद स्टेटमेंट साइटेड अर्लियर रिफर्स टू पाकिस्तान रिलीजियस स्कॉलर्स प्री पैगाम पाकिस्तान फतवाज एंड द जनरल प्रो जिहाद एटमॉस्फेयर दैट परसिस्टेड इन मदरसास। कि टीटीपी का जो हेड है नूर वली मसूद, उसकी जो स्टेटमेंट जो पहले मैंने बताई कि वो जो है उसने दी है, वो पहले पैगाम पाकिस्तान की जो एक डिक्लेरेशन सी उससे पहले जो फतवा दिए गए थे जब पाकिस्तान में एक जिहाद का माहौल था, जब उस टाइम परसिस्ट करती थी ये सारी चीज़ें हमारे मदरसाज में, उस टाइम की जो फतवा थी, जो पैगाम पाकिस्तान से पहले की जो फतवाज थी उनको जो है कोट करते हुए टीटीपी के इस चीफ ने कहा है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पैगाम पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसमें जितनी भी फतवाज लगाई गई, जो बाद में उलमा से फतवाई लगाई गई, उसको टीटीपी बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा। यानी कि पैगाम पाकिस्तान से पहले जो भी उलमाज कहते थे तो उसको वो इस्लामिक टीचिंग्स लग रही हैं, लेकिन पैगाम पाकिस्तान में जो इतने सारे स्कॉलर्स बैठ के एक फतवा दिया उसको टीटीपी फॉलो नहीं कर रहा। तो हुआ क्या, अब इन अ वीडियो मैसेज ही सेज दैट द टीटीपी जिहाद वाज लॉन्च्ड इन द लाइट ऑफ द फतवाज गिवन बाय पाकिस्तानी उलमा एंड इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी एंड ओमिशन फ्रॉम अस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फतवा और इफ वी हैव चेंज्ड अवर जिहादी डायरेक्शन देन यू गाइड अस एंड आर्ग्यू वी आर रेडी टू लिसन टू योर आर्ग्यूमेंट्स। अब उस वीडियो में इसने ये भी कहा कि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो पाकिस्तानी उलमाज की जितनी भी थी ये फतवा थी उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर हम गलत कर रहे हैं या किसी फतवा से हमारी डायरेक्शन अलग हो रही है तो आप हमारे साथ बैठे हैं, टेबल टॉक करें, हमारे साथ अर्ग्यू करें, हम रेडी हैं। अब इतना तक भी उन्होंने कहा है, यानी कि हमारे उलमाज को कहा है कि हमारे साथ बैठ के बातचीत करें, हमें समझाएं अगर हम अगर गलत चीज़ पे हैं तो। इसके बाद है दिस इज़ अ सीरियस इशू फॉर द उलमा एज द टीटीपी कंसीडर्स योर साइलेंस इन अवर फेवर एकिन टू फाइटिंग साइड बाई साइड विथ अस।
क्योंकि ये सीरियस एक तरह की का इशू है उलमास के लिए। अगर वो साइलेंट रहते हैं तो इसका मतलब ये, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप साइलेंट रहते हैं, हमारे साथ बात नहीं करते, तो इसका मतलब है हम सही रास्ते पे हैं और आप भी हमारे साथ साइलेंट रह के लड़ रहे हैं, यूँ समझे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे उलमास के लिए। इसके बाद है जो अगला पैराग्राफ। इंटरेस्टिंगली जस्ट बिफोर द वीडियो मैसेज वॉज रिलीज, अ ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी उलमा मेनली फ्राम के पी इशूड अनदर फतवा ऑन द लाइंस ऑफ पैगाम पाकिस्तान डिक्लेयरिंग दैट नो इंडिविजुअल आर ग्रुप ऑफ पीपल हैड द राइट टू डिक्लेयर जिहाद इज दिस वॉज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ स्टेट। अब इस वीडियो मैसेज के बाद के पी के कुछ उलमाज जो है जल्दी उठे और उन्होंने फिर ये एक फतवा दिया कि पैगाम पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर कर रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप खुद से जिहाद नहीं कर सकता, ये जो है प्रीरोगेटिव ऑफ स्टेट है। अब प्रीरोगेटिव का मैंने आपको क्या बताया था, एक स्पेशल राइट है कि जब तक स्टेट आपको स्पेशल राइट नहीं देता, स्टेट आपको नहीं बोलता कि आप जिहाद करो, तब तक आप नहीं कर सकते। इसके बाद है ट्राइंग टू काउंटर सर्च आर्ग्यूमेंट्स, द टी टी पी हैज़ चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कन्वर्टिंग द मिलिटेंट ग्रुप इन टू विलाया। अब अपने इस आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के लिए टी टी पी ने क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया है। अब कैसे चेंज किया है, पहले इसको ये मिलिटेंट ग्रुप खुद को कहलाता था और बाकी भी कहते थे, अब जो है विलाया में तब्दील कर दिया है। विलाया से मुराद के खुद को एक गवर्नमेंट बना दिया है, एंड अनाउंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम फॉर द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और पैरेलल गवर्नमेंट सिस्टम जो एक बना दिया है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद है द तालिबान एंड द टी टी पी आल्सो आर्ग्यू दैट दारुल उलूम देवबंद फ्राम वेयर दे डिराइव देयर आइडियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल स्ट्रेंथ हैड ड्राइव इन द ब्रिटिश फ्राम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द मुजाहिदीन ग्रुप सेट क्रश द सोवियत यूनियन एंड फोर्स नेटो फोर्सेज टू लीव द कंट्री। अब ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स उठाए हैं वो दारुल उलूम देवबंद जो एक बड़ी बहुत बड़ी मूवमेंट थी पास्ट में, उससे उठाए हैं, और उसी से क्या हुआ, दारुल उलूम देवबंद ने नेटो को बाहर फेंका, सोवियत यूनियन को निकाला, ब्रिटिश को निकाला। तो उनका जो बेस बना हुआ है टीटीपी वालों का, दारुल उलूम देवबंद बना हुआ है, तो दारुल उलूम देवबंद में वो सारा इस्लाम ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके बाद जो है पैराग्राफ वो ये, द रिलीजियस स्कॉलर्स मस्ट रिस्पॉन्ड टू टीटीपी चैलेंज, द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट आल्सो नीड्स टू रिव्यू द आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन ऑन व्हिच स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज लार्जली बिल्ट। अब ये है कि टीटीपी से जो है को रिस्पॉन्ड देने के लिए हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, उनको रेस्पॉन्स करना चाहिए। जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी चाहिए कि वो अपनी आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन है जिस पे वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, यानी कि सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं, उसको भी चेंज करना होगा, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको अलग से बनाना पड़ेगा, एक नई सी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दैट थिंकिंग हैज़ बीन इन एविडेंस टाइम एंड अगेन डिस्पाइट द ह्यूज लॉसेज सफर्ड बाई पाकिस्तान एट द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट। जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है, जो आइडियोलॉजिकल उनका कॉन्सेप्शन है, ये जो है हमेशा फेल हुआ है। हमने जो है पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हैं उनकी लाशें देखी हैं टेररिस्ट अटैक्स में, तो टेररिस्ट की वजह से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में और पाकिस्तानी लोगों ने सफ़र की है। द सेम थिंकिंग आई द तालिबान विल इवेंचुअली कॉपरेट विद पाकिस्तान टू डिफ्यूज द टी टी पी वॉज अ फैक्टर बिहाइंड द टॉक्स विद द मिलिटेंट ग्रुप्स एंड इट गेव द लेटर अ पैसेज टू पाकिस्तान। अब वो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग उनकी क्या है कि भाई तालिबान जो है वो आखिर में कॉपरेट करेंगे, कौन से तालिबान, अफगानिस्तान वाले तालिबान, पाकिस्तान वाले तालिबान को ख़त्म करने के लिए, जो टी टी पी है उसको ख़त्म करने के लिए, और इससे क्या होगा, एक फैक्टर नया जन्म देगा कि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं उनके साथ आप कॉपरेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको आप एक्सेस देंगे अपने मुल्क में, यानी कि उनके लिए एक और थ्रेट के लिए आप जो है एक पैसेज बनाएंगे। जो ये आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन है हमारे सिक्योरिटी इदारों की, ये चेंज करनी पड़ेगी। द स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव कॉल्ड ऑन द उलमा टू हेल्प मेनी टाइम्स, इट इज़ ऑब्वियस नाउ दैट द अप्रोच हैज़ नॉट वर्क, बट इवन देन अ फ्यू इन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हार्प ऑन द सेम आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल पोलिटिकल लिंकेज विथ अफगानिस्तान। के जो है उलमाज काफ़ी दफ़ा हेल्प के लिए आए हैं और सिक्योरिटी इदारों ने उलमाज से मदद ली है, लेकिन अभी भी हमारी स्ट्रेटजिक कम्युनिटी में, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग हैं जो फोर्स कर रहे हैं, जो हार पान कर रहे हैं, इन्फिसाइज कर रहे हैं कि हमें जो है आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन पे ही रहना चाहिए। और आइडियोलॉजिकल कंसेप्शन हमारी क्या है, सेम आर्ग्यूमेंट्स पे हैं, हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल और पोलिटिकल लिंकेजेज है हमारी अफगानिस्तान के साथ, तो हम जो है अफगानिस्तान के तालिबान से मदद ले लेते हैं, तो इस चीज़ को जो है चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है एज सजेस्टेड बिफोर, पाकिस्तान नीड्स अ न्यू अफगान पॉलिसी बेस्ड ऑन कंसेप्शन एंड बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड प्रैग्मेटिक पैराडाइम। अब पाकिस्तान को जो है एक नई अफगान पॉलिसी लानी पड़ेगी जो किस पे बेस होगी, कोऑपरेशन पे और प्रैग्मेटिक पैराडाइम पे, यानी कि प्रैक्टिकल एक फिलोसॉफी जो है, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पे, एक प्रैक्टिकल पॉलिसी पे जो है एक अलग से रिव्यू करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को। द रिलीजियस स्कॉलर्स कैन हेल्प बाई कमिंग अप विद कम्पेलिंग आर्ग्यूमेंट्स टू काउंटर द टी टी पी नैरेटिव एंड डीकंस्ट्रक्ट द तालिबान थाट्स अबाउट देयर व्यू ऑफ इस्लाम। रिलीजियस स्कॉलर्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, आगे आके वो कंपेयर कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं टी टी पी के साथ, उनका जो नैरेटिव है इस्लाम के बारे में उसको तब्दील कर सकते हैं, उसको डिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं।
इन द एंड जो आखिरी पैराग्राफ है वो ये है, इट विल बी लेंथी प्रोसेस एट फर्स्ट, इट रिक्वायर्स सीरियस स्कॉलरशिप्स ऑन द पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी उलमा, इज द इशू विल नॉट बी रिजॉल्व थ्रू इशूइंग फतवाज एंड डिक्लेरेशन अलॉन। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है पाकिस्तानी उलमास के लिए, ठीक है कि पाकिस्तानी उलमा फतवा तो दे देंगे लेकिन इससे इशू जो है रिजॉल्व नहीं होगा सिर्फ फतवा से डिक्लेरेशन से। The ulmas can learn from experiences of scholars from across the Muslim world. However, the question is whether or not they are ready to take the task seriously. Ulma, हमारे पाकिस्तानी जो हैं मुस्लिम ममालिक जितने भी बड़े बड़े उलमाज हैं उनसे मदद ले सकते हैं, लेकिन आखिर में सवाल यहाँ पे यही उठता है कि ये जो हमारे उलमाज हैं इस टास्क को सीरियस लेने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो ये सारा था एक जो था आर्टिकल, बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल था, आपको जो है समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो मुझे देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।